हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र पाल सिंह ने यमुनानगर के साढ़ोरा थाना में कार्यरत दो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल समेत एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार एक्ट में मामला दर्ज करवाकर चारों को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए। साढ़ोरा थाना में तैनात पुलिस के कर्मचारी नशा बेचने वालों से दर्ज मुकदमे में हेरफेर करने के लिए पैसे की मांग कर रहे थे, जिसके बाद ये सूचना पुलिस अधीक्षक तक पहुंची और पुलिस अधीक्षक ने तुरंत इस संबंध में भ्रष्टाचार एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए। पीसी एक्ट का पर्चा दर्ज किया, पहले वहाँ पे एक एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज हुआ था 110 नंबर, उसमें जो हमारी इन्वेस्टिगेटर एजेंसी थी के कुछ मुलाजिम थे जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उन्होंने कुछ लोगों से पैसे की मांग की थी, पैसे लिए, जिस संबंध में सोर्स रिपोर्ट के ऊपर FIR दर्ज की पीसी एक्ट की, जिसमें आशीष कुमार DSP को हमने तफ्तीश दी है, जिसमें चार पुलिस वाले हैं, एक अन्य आदमी है, प्राइवेट आदमी है, ये लोगों से पैसे ऐंठ रहे थे और रिश्वत ले रहे थे, जिसके संबंध में हमने कल रात को FIR दर्ज करी है। तो लगभग कितने का लेन देन का मामला था? इसमें 70-80 हज़ार का और का था, इसके अलावा भी अभी जांच कर रहे हैं, जांच में जैसे आएंगे उसी हिसाब से कार्रवाई और की जाएगी। इसमें चार पुलिस वाले हैं, एक पब्लिक मैन है। कौन कौन है सर? इसमें एक दौलतराम ASI है, एक राजेश कुमार ASI, एक लाभ सिंह हेड कांस्टेबल और एक जसजीत सिंह हेड कांस्टेबल, एक कृष्ण कुमार पब्लिक मैन है। इनके खिलाफ 110 नंबर FIR दर्ज करी है PC Act की, जिसमें 342, 384, 120B और 7 PC Act की हमने